हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरा ब्लॉग थोड़ा बहुत इन दिनों रुक रुक के आ रहा है, तो डेली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो इसका बस एक ही रीज़न है कि जब भी मैं दीदी के घर गई थी वहाँ पे यूपी, तभी मेरा फ़ोन जो ट्रेन से गिर गया था, उसके बाद फिर इसमें जो डिस्प्ले वगैरह लगा हुआ है तो ये मतलब ओरिजिनल वाला नहीं लगा हुआ है। मतलब ओरिजिनल वाला ज़्यादा महंगा था, तो मैं सोची कि जो डुप्लीकेट था वो लगा हुआ है। तो मेरे को लगा कि सेम ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस हो सकता है कैमरा का क्वालिटी वगैरह थोड़ा सा लो दिखेगा। और दुकानदार बोला कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, महंगा वाला लगाइए चाहे सस्ता वाला, दोनों एक ही रहता है। तो मैं सोची क्यों महंगा वाला लगाए, तो इसलिए थोड़ा सस्ता वाला ही मैं लगा ली। तो अभी पता चल रहा है कि मेरा थोड़ा सा फ़ोन सही से नहीं चल पाता है, उस वजह से मतलब थोड़ा सा हैंग कर रहा है फ़ोन मेरा। मतलब कैमरा वगैरह कभी भी ऑन कर रही हूँ तो फ़ोन थोड़ा सा हैंग कर रहा है, इस वजह से रील्स वगैरह भी नहीं बना पा रही हूँ और बहुत दिक्कत हो रहा है हमको। तो पता नहीं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कभी भी ब्लॉग बनाने के लिए कैमरा ऑन करती हूँ तो थोड़ा सा मतलब रुक रुक के वीडियो आने लगता है। अभी कभी कभी आता भी होगा, आप लोग ब्लॉग में थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो समझ में आएगा। बाकी फ़ोन पूरा हीट हो जाता है बहुत जल्दी, मतलब 10-15 मिनट चलाने से हीट हो जाता है बहुत ज़्यादा। और जब फ़ोन हीट हो गया उस टाइम कैमरा खोलने पे तो बिल्कुल भी नहीं। अभी तो थोड़ा सा मतलब कैमरा जब फ़ोन बिल्कुल साइड में रख देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा टाइम होता है थोड़ा सा, उसके बाद फिर मतलब जब रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स थोड़ा सा ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होता है फ़ोन तो बनाते हैं। तो अभी जैसा बना रहे वैसा थोड़ा बहुत बन पाता है, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस वजह से दिक्कत हो रहा है हमको फ़ोन वगैरह चलाने में और ब्लॉग वगैरह बनाने में। चलाने का तो कोई दिक्कत इशू नहीं है, वो तो हो ही जाएगा, लेकिन ब्लॉग वगैरह मेन प्रॉब्लम यही है मेरा कि ब्लॉग और रील्स वगैरह बनाने में बहुत दिक्कत हो रहा है हमको। तो रील्स वगैरह भी ऐसा ही कर करके बनाना पड़ता है, दो चार रील्स बनाने के बाद फिर फ़ोन पूरा हैंग करने लगता है, गर्म हो जाता है। फिर फ़ोन को कुछ देर रिलैक्स करने के लिए छोड़ देती हूँ, फिर जब हो जाता है ठंडा उसके बाद फिर से बनाना स्टार्ट करते हैं। इस टाइप का करके बनाना पड़ रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखते हैं, सोच रही हूँ कि ये डिस्प्ले फिर से चेंज करवा के ओरिजिनल वाला लगवा देती हूँ, हो सकता है उसमें शायद अच्छा चले। और उसमें भी ख़राब चलेगा तो फिर क्या ही कर सकती हूँ। और अब ये मेरा फ़ोन का ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं और अभी मतलब ऐसा कोई सस्ता वस्ता फ़ोन रहता तो सोचते कि चलो एक साल हो गया तो अब साइड कर देते दूसरा लेते, लेकिन ऐसा भी नहीं है। एक साल ही मात्र हुआ है मेरा फ़ोन का और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। फिर भी देखते हैं जैसा होगा। अभी तो हमको लगता है वो ओरिजिनल वाला डिस्प्ले लगने के बाद सही हो जाएगा। तो आप लोग मेरे ब्लॉग पर एंड तक बने रहिएगा, थोड़ा सा अपना प्यार दीजिएगा। और आज मेरा फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया तो शायद आज आएगा, तो पता नहीं आज आएगा कि नहीं, अभी देखे भी नहीं है फ़ोन खोल के, लेकिन शायद आज आ सकता है। तो आएगा तो फिर आप लोग को दिखाऊंगी क्या है। प्लस मेरा एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है, कब से है वो डेट तो अभी निकला हुआ है, 22 तारीख से निकला हुआ है, लेकिन एडमिट कार्ड वगैरह अभी तक नहीं निकला हुआ है, तो कन्फर्म मैं अभी भी नहीं बता सकती हूँ। हो सकता है डेट आगे बढ़े थोड़ा बहुत, तो जैसा होगा फिर हमको जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए हज़ारीबाग, क्योंकि मेरा वहीं पे कॉलेज है और सेंटर भी वहीं पे देता है सेमेस्टर 3rd का। तो चलिए फिर आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए, मिलते हैं फिर। सो गाइस, तो फ्लिपकार्ट से मेरा ये जो मैंने ऑर्डर करा था वो आ चुका है, और इसी के साथ साथ एक बेड न्यूज़ भी है मेरे लिए कि मैं सोच रही थी कि मेरा एडमिट कार्ड निकला नहीं है अभी तक, और अभी पता चल रहा है कि मैं एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भरी थी, जिस कारण अब मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकती हूँ, नहीं दे पाऊँगी। और
मतलब मैंने एडमिशन करवाया था बट मुझे पता नहीं चल पाया कि कब से एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह भरा रहा है, कोई हमको बताया नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया दूर होने के कारण, तो मुझे पता नहीं चल पाया। इसलिए अभी पता चल रहा है कि मैंने भरी थी, इस वजह से अब मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकती हूँ। एडमिशन वगैरह तो सारा कुछ करवा ले, लेकिन जो मेन था वही नहीं हो पाया और मुझे पता नहीं चला। इसका मतलब बहुत बुरा फील हो रहा है कि एक साल मतलब पीछे जाना पड़ जाएगा और एक दाग रह जाएगा कि एक बार फेल हुए थे ऐसा कुछ। तो वहाँ मतलब दूर होने के वजह से बहुत प्रॉब्लम होते हैं, बार बार हजारीबाग जाना आना और नहीं जा पाते, इस वजह से पता नहीं चल पाता है कि क्या इन्फॉर्मेशन आया क्या नहीं। और ग्रुप में भी वहाँ के टीचर भी बहुत अजीब ही हैं, ग्रुप में भी ऐड नहीं करेंगे नंबर देने से, बहुत मतलब चूचला है उन लोग का, बोलेंगे ग्रुप में ऐड कर दीजिए सर, उन लोग चार पाँच दिन पहले घुमाएगा फिर भी ऐड नहीं करेगा। और इसी वजह से ग्रुप में ऐड नहीं होने के कारण जो ग्रुप में ऐड थे वो ग्रुप में ये सब मैसेज आया नहीं, और जो ग्रुप में ऐड नहीं थे उसमें आया, मुझे पता नहीं चल पाया, फिर नहीं भर आया, फिर ये क्या क्या हो गया। और कोई इस पर कोई भी नहीं बताया, जैसे मेरी फ्रेंड लोग भी कोई कोई बताती थी बट इस बार कोई हमको नहीं बताई और मुझे नहीं पता चल पाया, जिस कारण नहीं भर आया। अभी बहुत बुरा लग रहा है हमको, बहुत 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 ज़्यादा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है। बहुत इसलिए अब सोच रही हूँ कि अब वहाँ फिर अभी जितना साल भी बचा हुआ है वहाँ पे रहेगा तो मुझे लगता है फिर कभी छूट जाएगा और कभी हमेशा दिक्कत होते रहेगा, कोई ना कोई दिक्कत होते रहेगा दूर की वजह से। इसलिए अब सोच रही हूँ वहाँ से TC ले लूँ और पढ़ाई भी छोड़ना नहीं चाह रही हूँ। मतलब बहुत कुछ सोचेंगे शादी हो गया तो क्या पढ़ के करेगी, ऐसा वैसा होता है, लेकिन मैं नहीं छोड़ना चाह रही हूँ पढ़ाई, अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ। इसलिए अब मैं साफ़ सुथरा सोच रही हूँ अभी से स्टार्ट करूँगी, अपना यहाँ पे है चित्रपुर में, वहाँ पे एडमिशन करवा लूँगी सेमेस्टर वन से। चलो समझूँगी कि थोड़ा सा एक दो क्लास पीछे ही थी मैं ऐसा, लेकिन सारा कुछ यहाँ पे रहेगा तो जानकारी भी अच्छे से मिलेगा, सारा कुछ सही से होगा। तो अभी तक मैं ये सब सोची हूँ क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने बहुत ट्राई करा कि कोई मतलब सोल्यूशन निकल पाए, लेकिन नहीं, तो फिर यहीं से। सो गाइस, तो तभी ब्लॉग को एंड कर दी थी क्योंकि मतलब कॉल से थोड़ा कहीं कहीं बात करके पता कर रही थी कि कोई उपाय है, मतलब कोई ऑप्शन होगा तो फिर मतलब नहीं छोड़ूंगी, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है कि सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम जब ही दूँगी तभी, जब भी सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम मेरे से पीछे वाले देते रहेंगे तभी जाके फॉर्म भर के मतलब पता लगा के और देना पड़ेगा, यही एक ऑप्शन है। बाकी अब देखते हैं क्या करते हैं, अभी कंफर्म कुछ नहीं बता सकते, थोड़ा सबसे मतलब पूछ लेते हैं, मतलब मम्मी पापा लोग से सबसे, उन लोग क्या बोलते हैं वही करेंगे। फिलहाल ये सब छोड़ते हैं, थोड़ा टेंशन हो गया था अचानक से पता चला तो, इसलिए रो भी रहे थे थोड़ा सा कि कैसे छूट गया कैसे हो गया, बुरा लगा क्योंकि मेहनत सब बेकार हो जाता है ना, बहुत ख़राब लगता है। तो सब कोई बात नहीं, चलो जाने दो। ये ड्रेस आ गया है, इसको पहले आप लोग को ओपन करके दिखाते हैं। ये रहा मेरा फ्लिपकार्ट का पार्सल, इसके अंदर देखते हैं क्या है, जो भी अच्छा है कि नहीं। सोचे थे एग्ज़ाम वगैरह लिखने जाएंगे तो ये सब इसीलिए ऑर्डर किए थे, थोड़ा कंफर्टेबल वाला, थोड़ा कंफर्टेबल था इसीलिए, बट एग्ज़ाम छूट गया गाइस, बहुत बुरा लग रहा है अभी भी। अभी भी इनको ऐसा लग रहा है इनके कोई ऑप्शन रहता तो वो फट से करके और मैं एग्ज़ाम दे देते, क्योंकि अभी दो दिन टाइम है लेकिन नहीं कुछ नहीं हो पाएगा। ये ड्रेस मैंने ऑर्डर करा है,
कटिंग है। और मेरा ही साइज का बन जाएगा। हमको साइज में थोड़ा सा दिक्कत लगता है क्योंकि फिर साइज ही नहीं आता है, ये एक्स्ट्रा स्मॉल साइज है। अगर ये ड्रेस किसी को अच्छा लग रहा होगा और आप लोग मतलब इसको ऑर्डर करना चाह रहे होंगे तो इसका लिंक मैं नीचे बायो में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। सो गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मोमोज खाने के लिए। कैसे हैं, दीवार में चिपका हुआ है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मोमोज खाने के लिए और अभी टाइम हो रहा है 7। और देखिए, आज हम यही ड्रेस पहन लिए जो आज ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, ये वाला। कुछ फिटिंग वगैरह भी अभी कराने का ज़रूरत नहीं पड़ा क्योंकि सही साइज आया था, इसलिए थोड़ा बहुत कर देंगे, बट अभी पहन लिए ऐसे ही। चलिए चलते हैं मोमोज खाने, बहुत दिन बाद। सो गाइस, हम लोग चल दिए मोमोज खाने के लिए और हमको ये गाड़ी में बैठ के बहुत ही बेइज्जती फील हो रहा है। और ये गाड़ी बहुत डिजाइन का ही है, अचानक मतलब जैसे ब्रेक मारते कैसे तभी अचानक कैसे पटका जाते हैं, वैसा वैसा रुक रुक के चलता है। उधर जाके हम भी ट्राई करेंगे सकते हैं कि नहीं चलाने, क्योंकि ये बैटरी वाला है ना तो थोड़ा डाउट लगता है। सो गाइस, तो फाइनली मेरा डिनर वगैरह हो चुका है और मैं आके ब्लॉग स्टार्ट नहीं की थी वहाँ से, मतलब मोमोज वगैरह खा के आने के बाद तो कुछ देर बाद हम लोग डिनर वगैरह किए और अभी जा रहे हैं सोने के लिए। तो अगर आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, और आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।